भारत की समृद्धि देखकर पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से ही थी। यूरोपीय नाविकों द्वारा सामुद्रिक मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। कोलंबस सन 1492 में भारत का पता लगाने अमरीका पहुँच गए, जबकि सन 1487 में पेरो दा कोविलिया नाम के एक नाविक पहली बार भारत के तट पर मालाबार पहुँचे। लेकिन भारत आने का सामुद्रिक मार्ग ढूंढा वास्को डी गामा ने, जब वो पहली बार 20 मई 1498 में कैलीकट के तट पर पहुँचे। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में अपने राज्य की स्थापना की। कैलीकट के राजा जमोरिन से अनुमति लेकर पुर्तगालियों ने व्यापार शुरू कर दिया। शीघ्र ही उन्होंने गोवा, दीयू, दमन और बॉम्बे में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अपने शासन के लगभग 450 वर्षों में पुर्तगालियों ने बहुत से सिक्के और नोट जारी किए, जैसे सोने के पारदेव और मैनुअल, तांबे और चिटिनेक का बाजारुको, चांदी और तांबे का हाइस, चांदी का तंगा, चांदी और सोने के जेराफिम, चांदी का रुपिया, कॉपर निकल का सेंटावोस और एस्क्यूडो। इतने सालों में पुर्तगालियों ने लगभग 510 प्रकार के सिक्के और नोट जारी किए। पुर्तगाली मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई 10 मार्च सन 1510 में, जब एस्तादो द इंडिया अर्थात पुर्तगाली भारत के गवर्नर बने अफोंसो द अल्बुकेयर। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया और वहां सिक्के ढालने का पहला कारखाना खोला। सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा की टकसाल में सोने और चांदी के सिक्के बनाने शुरू किए। सोने के सिक्के को मैनुअल के नाम से संबोधित किया, जो उस समय के पुर्तगाली शासक डॉम मैनुअल प्रथम का नाम था। ये सिक्का उस समय के दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिक्के पगोड़ा की तुलना में बनाया गया। इन सिक्कों का आकार, भार और मूल्य एकदम पगोड़ा के बराबर था। चांदी से निर्मित सिक्के को एस्पेरा के नाम से जाना गया। क्योंकि पुर्तगाली ईसाई समुदाय के थे, उन्होंने मैनुअल और एस्पेरा के एक तरफ ईसा मसीह का पवित्र क्रॉस चित्रित किया और दूसरी तरफ छल्लेदार गोला, जो उस समय का अंतरिक्ष संबंधी घोषणा करने का साधन था। पुर्तगालियों ने कम मूल्य के सिक्कों का भी निर्माण किया, जिन्हें बाजारुको के नाम से जाना गया। ये सिक्के प्रायः तांबे के ही बने होते थे, लेकिन बाजारुको का एक और प्रारूप भी जारी किया गया, जो कि ट्यूटिनेक नाम से विख्यात हुआ। ट्यूटिनेक तांबा, जिंक और निकल की मिश्र धातु थी। पुर्तगालियों ने 1611 में दमन और बसई यानी वसई में भी टकसालें बनाई, ताकि वो तांबे और ट्यूटिनेक के सिक्के वहां से निकाल सकें। लेकिन 1739 के आसपास कुछ कारणवश ये भी बंद हो गई। पुर्तगालियों ने 1644 में चौल में भी एक टकसाल खोली और यहाँ लगभग 95 सालों तक सिक्के ढाले। 1740 में चौल मराठाओं के कब्जे में आ गया और पुर्तगालियों को अपनी टकसाल छोड़नी पड़ी। कुछ सोने के सिक्के उन्होंने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भी बनाए, लेकिन कॉपर, ट्यूटिनेक, टिन इत्यादि के सिक्के सिर्फ भारत में ही बनते थे। पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए सिक्कों ने विभिन्न शासकों के शासन की अवधि में विविधता का प्रदर्शन किया। महाराजा डी सेबेस्टियन के शासनकाल के दौरान 300 हेज के मूल्य वाले चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें बस्टियार्ड या जेराफिम के नाम से जाना जाता था। इनमें सेंट सेबेस्टियन की आकृति बनी रहती थी। इसी अवधि में एक और चांदी का सिक्का तंगा भी प्रचलन में आया, जिसके मुख्य भाग पर उपकरण के रूप में एक तीर बना था। उस समय 5 बाजारुकोस का मूल्य 4 हेज के बराबर था, 60 हेज एक तंगा के बराबर होता था और 5 तंगा मिलकर एक जेराफिम बनता था। डॉम फिलिप के शासनकाल में सिर्फ एक तंगा और आधा तंगा जारी किया गया और इन सिक्कों पर फिलिप का चित्र अंकित किया गया। सन 1614 में 2 तंगा, 1 तंगा और आधा तंगा जारी किए गए और कुछ समय बाद 30, 20, 10 के मूल्य वर्ग में बाजारों को जारी किए गए। इन सिक्कों पर सेंट की तस्वीर के बजाय क्रॉस ऑफ कैलवरी को अंकित किया गया। फिलिप तृतीय के शासनकाल में चांदी के सिक्कों में क्रॉस ऑफ एवीज बनाया गया और उसके शासनकाल के अंत में सेंट जॉन का चित्र अंकित किया गया। सन 1650 में सेंट के सिक्कों का अंत हो गया और इनको बदला गया क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट यानी पवित्र क्रॉस के सिक्कों से। ये चांदी के सिक्के करीब 1726 तक बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखे हुए थे। पुर्तगाली राजा ओआओ सिक्स के शासनकाल के दौरान बड़ी मूल्य के तंगा में एक बार फिर परिवर्तन करके क्रॉस की जगह बस्ट ऑफ द किंग को इंट्रोड्यूस किया गया। सन 1775 में पुर्तगालियों ने सिक्कों के ऊपर रुपया लिखना शुरू कर दिया और 1 रुपया का मूल्य 2 जेराफिम के बराबर रखा। तब से पुर्तगाली मुद्रा का मूल्य रुपया में आका जाने लगा। सन 1869 में गोवा की टकसाल को बंद कर दिया गया और पुर्तगाली भारत के सिक्के ब्रिटिश मिंट बॉम्बे में बनने लगे। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन तब देखने को मिला जब 1781 में चांदी के रुपए पर उस समय के पुर्तगाली राजा डी पेड्रो तृतीय और उनकी पत्नी महारानी मरिया प्रथम के चित्र को अंकित किया गया। इससे पहले किसी भी पुर्तगाली सिक्के पर राजा और रानी एक साथ दिखाई नहीं पड़ते थे। इन सिक्कों का मूल्य उस समय 60 हेज के बराबर होता था। एक और तांबे के सिक्के ने इन सब सिक्कों के बीच में अपनी जगह बनाई। इस सिक्के को अतिया के नाम से जाना जाता था।
18वीं शताब्दी के मध्य से बनने शुरू हुए इन सिक्कों का मूल्य दमन और दीव में चल रहे स्थानीय सिक्के दुगनी के अनुपात में तय किया गया। 4 दुगनी 1 अतिया के बराबर होती थी। जब 1861 में लुइस फिलिप पुर्तगाल के नए शासक बने तो पुर्तगाली भारतीय मुद्रा की मानक दर में एक बदलाव देखने को मिला। सन 1880 में ब्रिटिश पोर्चुगीज समझौते के तहत उमा रुपया नई मुद्रा बन गई। उमा रुपया का सिक्का शुद्ध चांदी का बना होता था और इसका भार 11.66 ग्राम होता था। 1 रुपया के अलावा आधा रुपया, चौथाई रुपया और रुपया का 1/8 हिस्सा भी प्रचलन में लाया गया। वैसे तो पुर्तगालियों ने कागज की मुद्रा सन 1883 में ही जारी कर दी थी, लेकिन भारत में 1906 में बैंकू नेशनल अल्ट्रामरीनो को नोट छापने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया। शुरू में ये नोटें 4 तंगा, 8 तंगा, 1 रुपया और आधा रुपया के मूल्य वर्ग में आती थी, लेकिन 1924 में ये 1, 5 और 10 रुपया के नोट में आने लगी और 1938 आते आते 20 और 50 के मूल्य वर्ग में भी। एकाधिपत्य शासन के बाद जब 1910 में पुर्तगाल में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक की स्थापना हुई तो मुद्रा में एक बार फिर परिवर्तन आया। जिन सिक्कों या नोटों पर शासक का चित्र या नाम था उसके स्थान पर रिपब्लिका पोर्तुगेजा लिखा जाने लगा। भारत को जब 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली तो पुर्तगालियों ने भारत में विलय होने से मना कर दिया और अपनी मुद्रा रुपया से बदलकर एस्कुदो कर ली। लेकिन ये मुद्रा बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाली अधीन गोवा पर आक्रमण कर दिया और गोवा भारत संघ के अधीन आ गया और इस प्रकार 456 साल पुराने शासन का पतन हो गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।